नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुद्धि राजा। मैं चारुकार रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट। बात करते हैं 12 की 12 राशियों की। 7 जून का दिन 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि की। हमारी सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। तो मेष राशि के बारे में जानते हैं। आज का दिन पुराना दिया हुआ कोई पैसा, जो आपका पैसा कहीं आपका डूब गया था या किसी को आपने उधार दिया था, ना मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, आज का दिन आपको कोई पैसा मिल सकता है। कुछ पुराना किया हुआ निवेश पैसा भी आज के दिन आ सकता है। आज का दिन आपका पैसे को लेकर काफी पॉजिटिव दिन है। आज का दिन आपको, जिसे कहते हैं ना उम्मीद वाला पैसा, वो भी मिल सकता है। आज आपके रिश्तों में भी काफी मिठास मुझे दिखाई देती है। आज का दिन आपके घर परिवार का जो माहौल है वो काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करूं तो आज का दिन आपको उच्च पद व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। वृषभ राशि वालों, आज का दिन कोई सरकारी सरकार से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई आपके कामकाज से रिलेटेड भी हो सकता है, जो कि काफी अच्छे पद पर है व्यक्ति, उससे आपको मीटिंग करने का टाइम मिल सकता है, मीटिंग करने का मौका मिल सकता है, और ये आपको काफी फायदा देकर जाएगा। आगे आने वाले समय में आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो वृषभ राशि वालों, आप इस चीज का फायदा उठाइए, और आज का दिन आपका अपॉर्चुनिटी वाला है। आज का दिन आपका काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को गुस्से में होश नहीं खोना। आप क्या करते हैं, आप ना जोश में होश खो बैठते हैं। गुस्सा बहुत आया, एक्साइटेड हुए, किसी को भी कुछ भी बोल दिया। आज का दिन आपको अपनी वाणी को बहुत सोच समझ के खोलना है। आज का दिन आपकी वाणी ज्यादा ना बोले उतना अच्छा है। जितना आप कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा। कड़वे शब्द आज के दिन आपके मुंह से निकल सकते हैं, और खास तौर पर आपके अपनों को, तो सावधान रहिए, आज कड़वे शब्द नहीं बोलने। खास तौर पर मिथुन राशि वाले, अपने माँ से बनाकर रखनी है, माँ के चरण छूकर ही आपको घर से बाहर निकलना है। तो ये मेरी एडवाइस जरूर मानिएगा मिथुन राशि वालों। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो आज का दिन तकनीकी किसी कार्य में आप जुटे रहेंगे, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्क हो जिसमें आप जुड़े रहेंगे। बच्चों के साथ आपका टाइम बीतेगा। आज का पूरा दिन आप अपने बच्चों को देंगे, उनको पैम्पर करेंगे, उनको खुश रखेंगे, घुमाने लेके जाएंगे, या कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज का दिन आपका बिजी जाएगा, लेकिन बड़ी खुशी के साथ टेक्नोलॉजी यानी कि अपने कामकाज में भी पूरा टाइम देंगे, किसी ना किसी चीज में आपका दिमाग भी लग रहा है, और फैमिली अपने बच्चों को पूरा टाइम दे रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए भी काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों की बात करें तो हेल्थ इनकी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ऐसा हो सकता है कि हेल्थ आपकी जो इतने टाइम से रिजल्ट दे रही थी, आज आप महसूस करेंगे कि हाँ, आई एम फिट एंड फाइन। आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा। कहीं बाहर प्लानिंग कर सकते हैं, पहाड़ों की यात्रा हो सकती है सिंह राशि वालों आपकी। कहीं घूम सकते हैं, कहीं पर भी ऐसी जहाँ ठंडी हवा, पहाड़ है, यहाँ की यात्रा सिंह राशि वालों आपकी हो सकती है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बात करें तो खुशियां आएंगी आपके दरवाजे पर, दस्तक देंगी। कन्या राशि वालों, जो इतने टाइम से आप सोच रहे थे ना हमारी भगवान सुनता नहीं, तो आज सुन ली। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारे खुशी के कहते हैं ना, खुशी की अपॉर्चुनिटीज, खुश वाले, गुड वाले समाचार, गुड न्यूज आपके लिए आके खड़ी है, और आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बड़ी गुड न्यूज आती हुई नजर आती है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात करें तो आज का दिन आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। घर में कोई भी काम आपका हो रहा है तो उसको ना मानसिक तौर पर संतोष, ऐसा नहीं करना कि आपके घर में कोई भी काम हो रहा है, तुला राशि वालों आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप हर चीज में इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि फिर ना आप इमोशनली सैड हो जाते हो कि मुझे तो किसी ने पूछा नहीं। आप खुद आगे जाकर हाथ बटाओ, आप खुद आगे जाकर इन्वॉल्व हो। तुला राशि वालों, आज का दिन आप खुद लोगों को अपना बनाओ, तभी लोग आपको अपना बनाएंगे। ये आपके लिए एडवाइस, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन मन से दुखी मत होइए क्योंकि दिन बहुत अच्छा है आपका। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को आज एक अजीब सी बेचैनी सी दिखाई देती है, अजीब सा डर, अजीब सी बेचैनी अंदर रहेगी। किराएदार या शॉप के ओनर से तकरार हो सकती है। अगर आप किसी रेंट पे रहते हैं या आपके जो शॉप के ओनर हैं, आपका शॉप रेंट पर है, तो किसी ऐसे आपके ओनर से आपकी बहस हो सकती है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको अपने बॉस के साथ बना के रखनी है, उनको कुछ मीठा ऑफर करना है कि आपकी उनसे वाद विवाद ना हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कुछ इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, वैसे टाइम ठीक है, सावधान रहिएगा। बात करते हैं धनु राशि की।
धनु राशि की बात करें तो आज आप अपने सामान का खुद ध्यान रखिए। आज आपकी कीमती वस्तु कोई गुम हो सकती है और उसको लेकर आप टेंशन में आ सकते हैं धनु राशि वालों, क्योंकि ये टाइम तो मुझे दिख ही रहा था कि आप थोड़ा सा अपनी चीजों को लेकर सावधान रहिए। आपकी कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है, खासा ख्याल रखना है। मकर राशि वालों की बात करूं तो अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना है और किसी बात को लेकर आप सोच सकते हैं टेंशन हो सकती है आपको। और ना मकर राशि वालों को मुझे ये भी लग रहा है कि वो अपने बॉस को लेकर थोड़े टेंशन में है कि मेरे बॉस जो है ना वो मेरी सुनते नहीं, बॉस मेरी मानते नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मकर राशि वालों गलत फहमी में मत आइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बॉस आपकी फेवर में नहीं है, आपके किसी भी काम को, किसी अच्छे काम को भी नहीं देखते, तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो कुछ मीठा अपने बॉस को खिलाइए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, आज का दिन आप थोड़ा शांति से बिताइए, ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो आपको हल भी मिल जाएगा। तो इसलिए किसी के लिए भी गलत धारणा अपने मन में ना लाइए, शांति से आप रिलैक्स होके काम कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करें तो आज आपकी प्रशंसा हो सकती है, आजीविका और कामकाज में बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे, धन भी आपका ठीक रहेगा, जो आपके काम अच्छे हो रहे हैं, पैसा आपको आ रहा है और जिसे कहते हैं ना टाइम पर सारी चीज़ें, आपको जो भी आपका मंथली प्रॉब्लम चल रही थी, महीने में पैसा आता है या कोई भी चीज़ें, सब टाइम पर हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फाइनेंस भी आ रहा है, सब चीज़ ठीक है, परिवार में भी सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा आपका पैसा घर पर लग रहा है, ये चीज़ है, स्पेंड थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है पैसा। आज का दिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पैसा स्पेंड हो रहा है, बट डोंट वरी, खुशी खुशी हो रहा है, घर पर हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप थोड़ा सा अपने हाथ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि पैसा संभालना आपके लिए ज़रूरी है। ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी। बात करते हैं मीन राशि की। तो मुझे मीन राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है आज का दिन आपको किसी लालच में नहीं फंसना। आज का दिन मीन राशि वालों, अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है और आपको ये ऑफर आता है कि यहाँ जॉब कर लो, उसमें इतना इंक्रीमेंट है, इतने पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप वो छोड़कर वहाँ चले जाओ। सोच समझ के डिसीजन लो, लालच में नहीं आना। अगर आपको कोई ये बोलता है, आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब हर तरीके से लालच से बचना है, लालच में नहीं आना। अगर आपकी कोई शॉप है और आपको कोई ये बोलता है यहाँ पर सस्ता सामान मिलता है, आप पूरा सामान उठा लो, तो पैसा वहाँ नहीं फंसाना सामान उठाकर। सोच समझ के डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में कहीं पर भी पैसा फंसने से रुकना है। तो ये रहा मीन राशि वालों के लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। ये था 12 की 12 राशियों का हाल। मैं आपसे फिर जुड़ूंगी अगली राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा हाल मैं आगे बात करूंगी। तब तक मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए, देखते रहिए मेरा चैनल और मुझसे जुड़े रहिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।